कुत्तों को डायबिटीज कोई भी उम्र में हो सकती है। अब जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, उतनी जल्दी हम उसकी सारवर करा सकेंगे, उसका ध्यान रख सकेंगे। अगर हम उसकी केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो उसकी डायबिटीज आसानी से कंट्रोल में आ सकती है और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी केयर नहीं की और उसकी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, थायराइड और कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारी हो सकती है, और इसीलिए हमारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये 8 ऐसे लक्षण हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद आपके कुत्ते को डायबिटीज़ हुई है। नंबर 8, जब कुत्ते बार बार सुसु करते रहते हैं। ये डायबिटीज़ का सबसे कॉमन सिम्टम्स है कि कुत्ते बार बार सुसु करते हैं। अगर आपका कुत्ता बार बार फ्लोर गीला कर रहा है तो हो सकता है कि उसे डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ में क्या होता है कि उसकी किडनी ढंग से काम नहीं करती है, तो उसे नॉर्मल से ज़्यादा सुसु करने जाना पड़ता है, और डॉक्टरों की भाषा में ये कंडीशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है। नंबर 7, जब कुत्ते बहुत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। अगर हमारा कुत्ता एक्सरसाइज करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर गर्मी का मौसम होता है, तब थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकता है। पर अगर वो कुछ ज़्यादा ही पानी पीने लगा है तो हमें तुरंत ही उसे चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि एक डायबिटीज़ का लक्षण भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि वो बार बार सुसु कर रहा है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा पानी पी रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल है। पर डॉक्टर जेसिका रोमाइनी के मुताबिक हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो बार बार सुसु कर रहा है तो बेचारे को डिहाइड्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से पानी पीना पड़ रहा है। 6, जब कुत्ते ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। कुत्तों के ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। अब जब डायबिटीज़ होती है तब इंसुलिन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उसके शरीर को कंटिन्यूसली सिग्नल मिलते रहता है कि उसे भूख लगी है, और कुत्ते हमेशा भूखे रहते हैं और इसीलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। नंबर 5, वोमिटिंग। अब नॉर्मली जब कुत्ते बीमार होते तब वो वोमिटिंग कर सकते हैं, पर अगर आपका कुत्ता बार बार वोमिटिंग कर रहा है और रेगुलरली वोमिटिंग कर रहा है, तो फिर ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। नंबर 4, खाना खाने के बाद भी कुत्तों का वेट कम हो जाता है। अब कुत्ते खाना तो अच्छे से खा रहे हैं पर फिर भी उसका अगर वेट कम हो रहा है, तो फिर ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। अब डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है कि शरीर में जो खाना पचना चाहिए वो ढंग से पचता नहीं, और उसे एनर्जी भी कम ही मिलती है। अब शरीर को तो एनर्जी चाहिए, तो शरीर क्या करता है कि उसके अंदर जो भी मसल है, जो भी फैट है, उसे बर्न करना शुरू कर देता है ताकि उसे एनर्जी मिल जाए, पर इससे वेट कम हो जाता है, और इसीलिए डायबिटीज़ की वजह से खाना खाने के बाद भी वेट कम हो सकता है। नंबर 3, लो एनर्जी। अगर हमारे कुत्ते बहुत ही एनर्जी लेस और डल दिख रहे हैं, वो तुरंत ही थक जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज के लिए, खेलने के लिए और वहाँ तक कि भूख भी जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, अगर हम उसे उसका फेवरेट खिलौना ला के दे रहे हैं तो भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर हमें तुरंत ही उसे चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल डायबिटीज़ की वजह से भी कम हो सकता है। नंबर 2, वीकनेस। डायबिटीज़ की वजह से कुत्तों के मसल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और उसकी वजह से उसे जोड़ों का दर्द, मसल पेन और वीकनेस होने लगती है, और ऐसे में वो लोगों को सिंपल से सिंपल एक्टिविटी करने में भी दिक्कत हो सकती है, वहाँ तक कि वो सीढ़ियाँ भी मुश्किल से चढ़ पाते हैं। एंड फाइनली नंबर 1, आँखों का प्रॉब्लम। डायबिटीज़ कुत्तों की पूरी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से उसे आँखों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे कि कम दिखना, धुंधला धुंधला दिखना, और कभी कभी तो उसे पास की चीज़ देखने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें साल में एक बार अपने कुत्तों का आई चेकअप करवाना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुत्तों में डायबिटीज़ के 8 लक्षण, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कुत्ते को डायबिटीज़ हो सकती है। अब जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही अच्छा है, उतनी जल्दी हम उसकी सारवर करा सकते हैं, और अगर हम उसका ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो उसकी डायबिटीज़ आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाएगा।